Vande Mataram. Hello student, how are you? Everyone fine? Good. Today is the subject of English. Aaj hum English mein H for head aur H for hand sikhenge. Okay? Let's start student. H for head, H for head, H for hand, H for hand. ट्रेस विथ योर फिंगर. चलो पहले हम फिंगर से इसको ट्रेस करेंगे. चलो स्टैंडिंग लाइन, यहां से कर्व जैसा और स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहां से थोड़ा वलांक और यहाँ स्टैंडिंग लाइन. चलो ट्रेस विथ योर पेंसिल, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से हाफ सर्कल जैसा स्टैंडिंग लाइन. ओके, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से हाफ सर्कल और स्टैंडिंग लाइन. एच फॉर हेड, एच फॉर हेड, एच फॉर हेड, एच फॉर हेड, एच फॉर हेड. वेरी गुड. अब नीचे क्या दिया है? ट्रेसिंग दिया है, तो इस ट्रेसिंग को हमें कंप्लीट करना है. ओके, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से हाफ सर्कल जैसा और स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से हाफ सर्कल जैसा स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल जैसा. इसी तरह सारी ट्रेसिंग आपको कंप्लीट करनी है. ओके, गुड. चलो इसके साथ आपको बोलना भी है. H for head, H for head, H for head, H for hand, H for hand, H for hand, H for hand. Very good. नीचे इस डॉट की मदद से हमें क्या लिखना है? H for head. चलो डॉट पर पेंसिल रख के ग्रीन लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनानी है. यहाँ से हाफ सर्कल जैसा और स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल जैसा स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल जैसा स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल जैसा स्टैंडिंग लाइन. ओके, इसी तरह सारे बॉक्स में आपको लिखना है. एच फोर है एट, H for head, 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 H for hand, H for hand, H for hand, H for hand. H for hand, H for hand, H for hand, H for hand. अब नीचे कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और हाफ सर्कल जैसा और स्टैंडिंग लाइन. इसी तरह आपको स्मॉल और कैपिटल दोनों लिखना है. ओके, चलो पहले कैपिटल, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्मॉल, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्मॉल. ओके, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, H for horse, 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 H for house, 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 H for house.
वेरी गुड। इसके सामने होमवर्क दिया है, एच फॉर हॉर्स और एच फॉर हाउस, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके बाय, वंदे मातरम।